ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले से लगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर की हैं। सीमा के एक तरफ भारत के बीएसएफ जवान खड़े हैं और दूसरी तरफ सैकड़ों बांग्लादेशी हैं जो भारत में आसरा चाहते हैं। भीड़ में खड़े ये लोग बांग्लादेशी हिंदू बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें देश के अल्पसंख्यकों के घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इन सबके बीच 9 अगस्त का ये वीडियो भी सामने आया, सोशल मीडिया पर घूमने लगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि वीडियो को बांग्लादेश के लाल मोनेहर जिले से रिकॉर्ड किया गया है। पड़ोसी देश में जो हिंसा फैली है उसके बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर कई बांग्लादेशी इस आस में इकट्ठा हुए हैं कि उन्हें भारत में शरण मिल जाएगी। पिछले कुछ दिनों में बीएसएफ ने सीमा पार कर रहे कई बांग्लादेशियों को हिरासत में भी लिया है। एक वायरल वीडियो में बीएसएफ जवान बांग्लादेशियों को समझाते हुए दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि क्यों वो उन्हें सीमा पार करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वीडियो में बीएसएफ जवान कहते हैं, अगर आप बांग्ला समझते हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुने। हमें पता है आप लोग समस्या से जूझ रहे हैं, आप लोग यहाँ आए हैं, ये विमर्श का विषय है। ऐसे तो समस्या का समाधान नहीं होता। हम लोग अपनी मर्जी से आपको अंदर नहीं ले जा सकते। हमारे यहाँ बड़े अफसर भी आए हुए हैं, उनकी ओर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक दिन में इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारे बड़े अफसरों ने आपके अफसरों से बातचीत की है, आपके अफसरों की ओर से मैसेज आया है कि वो इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप लोग वापस लौट जाएं, वापस जाकर देखिए क्या होता है, आपकी परेशानियों को सुना जाए। बीएसएफ जवान की बात सुनकर भीड़ की तरफ से आवाज़ आती है, हमें अंदर आने दीजिए, वो हमारे घर जला देंगे, वो हमें टॉर्चर करेंगे। आज तक से जुड़े अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पार करने के लिए इकट्ठा हुए ये लोग बांग्लादेशी हिंदू बताए जा रहे हैं। अपने ही देश से डरकर वो भारत आना चाहते हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसकी तस्वीरें डराने वाली हैं। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कम से कम 232 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के दौरान इस्कॉन सहित कई मंदिरों को भी जलाया गया है। इंडिया टुडे के आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट का ये वीडियो देखिए जिसमें हजारों बांग्लादेशी हिंदू देश में अपनी सुरक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। We demand safety for Hindu. These are the slogans that the people are saying. Thousands of these Hindu societies. आपको बताते चलें कि 9 अगस्त को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर चिंता जताते हुए लिखा भी था, मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाई है। समिति बांग्लादेश के संपर्क में रहेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बांग्लादेश के प्रशासन से हिंदू सुरक्षा की मांग की थी। बताते चलें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसके साथ उन्होंने भी लिखा, इन बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान मतियुर शेख, मुशीर मुल्ला, तानिया मुल्ला और रीता मुल्ला के रूप में हुई है। ये भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। इस तरह के तमाम रिएक्शंस राजनेताओं की तरफ से भी लगातार इस घटना के बाद सामने आ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर को लिखा है हमारी साथी विभावरी ने। मेरा नाम है विपिन। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।